गर्ल्स आईएएस एस्पिरेंट्स, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपको ये प्रेरणा मिलता रहेगा, यू विल गेट मोटिवेटेड ऑलवेज। कि भैया कह रहे हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। केएफसी के मालिक 60वें वर्ष में जब अपना धंधा शुरू किए, 50वां पता नहीं कितना हुआ, तब वो सफल हुए 60 साल की उम्र में। मोहम्मद गोरी कितनी बार अटैक किया? 17 बार, 18वीं बार शायद सफल हुआ या 17वीं बार। तो कहने का मतलब यह है कि इफ यू आर मोहम्मद गोरी गजनवी, क्या है हिस्ट्री तुम पढ़ो, गजनवी है 17 बार, गुड। नाम में क्या रखा है, जो भी था एक्स में 17, वो तुम जानो, मुझे नहीं आता हिस्ट्री, सही में हमें नहीं आता, हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं। खैर एनीवे, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आप अपना प्रयास जारी रखें, अटेम्प्ट जारी रखें, और ये मान के चले कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो बिना कुछ किए का मतलब है कि आपने लाइफ में काम तो किया, बहुत मेहनत किया, बट दैट डायरेक्शन ऑफ दैट वर्क वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू द डेस्टिनेशन। आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, यहाँ से सपोज पटना या कलकत्ता, और आप जो है गलत ट्रेन में बैठ गए, गलत फ्लाइट में बैठ गए जो चेन्नई जा रही थी। तो किसकी गलती है? आपकी है कि आपने सही ट्रैक को क्यों नहीं चुना, सही मार्ग को या सही ट्रेन को क्यों नहीं चुना, यह आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आई एम ऑलवेज रिपीटिंग, आई हैव बीन ऑलवेज रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट कि डू हार्ड, डू योर वर्क हार्ड, नॉट हार्डली। दोनों फर्क है ना, डू योर वर्क हार्ड और डू योर वर्क हार्डली। एलवाई लग गया तो इसका मीनिंग बदल के क्या हो जाएगा कि बड़ी मुश्किल से तुम काम करते हो। डू यू डू योर वर्क हार्डली, अरे बड़ी मुश्किल से तुम करोगे, करते हो वगैरह, 10 बार जगाना पड़ता है तुमको, ये बातें होती है। तो हार्ड और हार्डली में फर्क है। डू योर वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम से अपना काम करिए। तो क्वेश्चन इज दैट कि हाउ दैट मोडस ऑपरेंडी, हाउ दैट प्रोसेस, हाउ दैट प्रक्रिया, हाउ दैट प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू गेट द टारगेट, दिस इज द प्राइम थिंग्स। बिकॉज इफ यू हैव अबंडेंट नॉलेज इन योर माइंड एंड दैट नॉलेज इज नॉट इम्प्लाई इन टू दैट एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग 3 hours, इट मीन्स कि योर और नॉलेज बिकम बुलशिट, ओवर हो गया ना, क्या फायदा हुआ। तो मार्क क्या करता है आपका लाइफ में, 2 घंटा प्री हॉल में प्रीलिमिनरी और 3 घंटे मेंस वाला। तो हाउ मच यू आर प्रोड्यूसिंग इन द राइट डायरेक्शन, इन द स्पिरिट ऑफ दैट क्वेश्चन यू शुड बी चूज योर आंसर। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द लेजिस्लेचर रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लेजिस्लेचर यू नो हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय की विधायी भूमिका, क्लियर है ना। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि दैट इज नॉट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जुडिशरी इज नॉट मेंट फॉर द अदर देन जुडिशियल वर्क। न्यायपालिका का काम न्यायिक कार्यकलापों में होना चाहिए, बट देर इज सम लिमिटेशंस, देर इज सम प्रोविजंस वेयर वी कैन से दैट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो डिराइव्ड एज लेजिस्लेचर। मैंने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका विधायी शक्तियों के रूप में भी दिखाई पड़ती है, कब क्यों और कैसे, क्लियर है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजिस्लेचर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तब आ जाती है जब जनहित याचिका, जनहित का मामला बन जाता है। जैसे दिवाली का पटाखा, हमने बताया कि दिल्ली में दिवाली के टाइम पटाखा नहीं बजाने का आदेश पारित किए कौन, दिल्ली क्रैकर्स में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि पटाखा नहीं बजेगा। तो अगर उसने ऐसा आदेश दे दिया कि पटाखा नहीं बजेगा, इट मीन्स कि दैट हैज बिकम ए लॉ, ये कानून बन गया, और पुलिस को पावर मिल गई कि आपको गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया के साथ आपको डील करे। बट देर इज सम लिमिटेशंस ऑल्सो,
इफ गवर्नमेंट संसद चाहती है कि ये लागू ना हो, डिस्पाइट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड टू इम्पोज टू इम्प्लीमेंट दैट, इन दैट सिचुएशन ये लागू नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पार्लियामेंट जो है मना कर दे, खत्म, तो उस कंडीशन में लागू नहीं होगा। वो तभी तक लागू है जब तक कि सरकार उस कानून को मना नहीं कर दे। क्लियर है? डिसीजन उसने जो दिया लागू करने का, या जैसे कोई फांसी की सजा कुछ भी एक्स वाई जेड, वो डिसीजन का रिव्यू तो सिर्फ जो है प्रेसिडेंट करेंगे, दैट इज निर्णय इन द मामला ऑफ कोई केस ही, ठीक है ना। लेकिन ये दूसरी चीज है। दूसरी चीज क्या है कि आपने कहा साहब बड़ी प्रॉब्लम होती है, वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू टेक ब्रीथ एंड वी फील सफोकेटेड ड्यूरिंग द दिवाली नाइट और 2-3 डेज प्लस माइनस, तो कृपा करके आप कुछ ऐसा आदेश दें जिससे लोग पटाखा ना बजाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुना, उसने कहा भाई पटाखा नहीं बजेगा, लागू करो। लेकिन अगर विधायी पार्लियामेंट जैसे विधायी का वो कहे कि नहीं इसको लागू नहीं होना है, तो क्या होगा? ये नल एंड वाइड समाप्त हो जाएगा, नल एंड वाइड, VOID, वाइड। तो उस इन दैट सिचुएशन इट विल गेट इन इफेक्टिव, अप्रभावी हो जाएगी। क्लियर है? तो इतनी सी बात है, इसमें बहुत वो जो क्वेश्चन था उसी का। दूसरा एक शब्द हमने भेजा था कल आप लोगों को, वो क्या था? राइट टू अब देखो ये बड़ा कंफ्यूज करता है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। व्हाट इज राइट टू वोट, माने वोट